लवली। हाय आरती, कैसा था आपका जर्नी? बहुत अच्छी जर्नी थी, बहुत उतार चढ़ाव थे, लेकिन किसी तरह संभाला। और फिर जब काफी मोटिवेशन मिला मुझे, जब मेरी मम्मी का लेटर आया, मेरा भाई आया, कैश आई, जब सलमान सर ने इतनी तारीफ की तो मेरे को कहा बेटा लाइन सही पकड़ी, अब इस पे चल लो। एंड आपको लगा था आप यहाँ तक पहुँचेंगी? फर्स्ट एक डेढ़ दो महीना तो डेफिनेटली नहीं लगा था। मैंने 17 जान तक का एक करके रखा था कि यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ, बस इतना है। बट जब कृष्णा आया घर पे, उसके बाद मुझको कॉन्फिडेंस मिला, कैश आई, मुझे कैश ने बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया कि दूसरों को हराने से ज्यादा खुद की जीत के बारे में सोचो। और डेफिनेटली मेरी माँ का सपना था, तो मैं थोड़ा हिम्मत जुटाते पहुंची। काफी कुछ हुआ, आप पे काफी ब्लेम लगे, आपको पैनिक अटैक तक आया अंदर, काफी कुछ हुआ था, तो हाउ डिड यू मैनेज टू कीप योर कूल इनसाइड द हाउस? पैनिक अटैक आया, बिकॉज बहुत ज्यादा भर गया था अंदर बहुत कुछ, एंड विच इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, बहुत लोगों को पैनिक अटैक्स आते हैं। पहले बहुत ज्यादा अशेम्ड थी मैं उस चीज को लेकर, बट देन आई वॉज लाइक इट्स ओके यार, इंसान ही तो हूं मैं, लोगों को कितनी बीमारियां होती हैं, ये तो एक पैनिक अटैक है। और रही बात कूल तो मैंने मेंटेन नहीं किया, बट एक दायरा मेंटेन किया, तमीज मेंटेन की जो मुझ में है, और मुझे मेरी फैमिली ने बोल के भेजा था कोई कुछ भी कहे तुम अपना दायरा क्रॉस मत करना, ये मेरा लेटर में लिख के आया था। और मेरे दोस्तों ने बोला था आरती व्हाट एवर हैपेंस डोंट पुट एनीबडी डाउन, एंड दैट्स इट। और मैं होती कौन हूँ किसी की औकात दिखाने वाली, खुद की औकात पहले मैं अपनी बनाने वाली थी वहां पर, जो मैं बनाने गई थी, रादर देन आई हैव टू पुट एनीबडी डाउन। तो आई थिंक दैट्स व्हाट आई यूज टू ऑलवेज से टेल माई सेल्फ दैट आई एम नो वन टू पुट एनीबडी डाउन एवर, बिकॉज फर्स्ट मेक योर सेल्फ एंड देन थिंक अबाउट अदर। ऑल्सो व्हाट इज योर बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम बिग बॉस? कॉन्फिडेंस।